नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएसटी हीरो में मेकिंग जीएसटी सिंपल। दोस्तों, जीएसटी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन मोस्ट ऑफ द टाइम सही तरीके से डॉक्यूमेंट्स ना देने की वजह से रिजेक्ट होते हैं। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इन हिंदी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के वक्त बेसिक डॉक्यूमेंट्स कौन से जरूरी है, सोल प्रोपराइटरशिप होगी तो उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, पार्टनरशिप बिजनेस होगा तो कौन से चाहिए, लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ओपीसी कंपनी होगी, एलएलपी कंपनी होगी तो उनके लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ये जो बेल आइकॉन है इसे भी प्रेस कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन बेसिक डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या देना होता है, चलो बताते हैं। तो बिजनेस ओनर डॉक्यूमेंट्स, तो अगर आपको बेसिक डॉक्यूमेंट्स देने हैं तो कौन से देने होते हैं कि बिजनेस ओनर डॉक्यूमेंट्स में आता है पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड फोटोज, ये आपके पास होना जरूरी है। बिजनेस डॉक्यूमेंट्स आपके कौन से लगते हैं, तो बिजनेस एड्रेस प्रूफ, जहां पर आपका बिजनेस है उस प्लेस का जो प्रूफ है, एड्रेस प्रूफ है, वो आपको देना होता है। एक तो वो फिर ओनरशिप होता है या तो फिर रेंट एग्रीमेंट आप दे सकते हो, बैंक से लिया हुआ स्टेटमेंट या तो फिर बैंक का पासबुक जो है वो आपको देना होता है। अब ये ओनर का पासबुक लगेगा क्योंकि बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स लगेंगे, एमओए, एओए, ये जो है डॉक्यूमेंट्स, ये आपके कंपनी वाइज आपको लगेंगे। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों। अब देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर सोल प्रोपराइटरशिप, तो इसमें पर्सनल डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे आपको, पैन कार्ड, अदर आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड नंबर एंड फोटोज, ये पर्सनल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। और बिजनेस डॉक्यूमेंट्स में ओनरशिप प्रूफ यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है आपका, वाटर बिल हो सकता है, फोन बिल हो सकता है, वो आपको देना होता है। रेंट एग्रीमेंट, अगर आपका ऑफिस कहीं पे रेंट पे आपने लिया है तो उसका रेंट एग्रीमेंट लगेगा, बैंक स्टेटमेंट लगेगा और पासबुक भी लगेगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होती है सोल प्रोपराइटरशिप के बारे में। अब जानते हैं कि नॉर्मल पार्टनरशिप बिजनेस के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी है। तो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स में आता है पैन कार्ड ऑफ द पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड, कॉपी ऑफ बैंक स्टेटमेंट, लेटर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी। अब ये लेटर कौन देता है, तो आपके कंपनी का ही जो ऑथराइज पर्सन है वो बना के देगा ये। डिक्लेरेशन टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस, ये भी आपकी कंपनी के टाइम आप जब रजिस्टर करने जाते हो तब आपको देना होता है, तो ये भी आपकी कंपनी से ही बनता है ये डॉक्यूमेंट। पैन कार्ड एंड आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ पार्टनर्स, आपके जो भी पार्टनर्स हैं उनके प्रूफ्स लगेंगे, पैन कार्ड लगेंगे उनके और आइडेंटिटी प्रूफ भी लगेंगे, यानी फोटोज लगेगा, उनके बैंक स्टेटमेंट्स भी लगेंगे, तो ये सारी चीजें लगती है। और बिजनेस डॉक्यूमेंट में आपको ओनरशिप प्रूफ देना होता है, रेंट एग्रीमेंट, बैंक स्टेटमेंट और पासबुक, तो ये डिटेल्स आपको नॉर्मल पार्टनरशिप बिजनेस में देनी होती है। अब जानते हैं कि डॉक्यूमेंट्स फॉर प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड कंपनी एंड ओपीसी कंपनी के लिए कौन से लगते हैं। तो यहाँ पर कंपनी डॉक्यूमेंट्स आपको देने होते हैं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ द कंपनी, पैन कार्ड ऑफ द कंपनी लगेगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी कि एमओए होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एओए, इसके बारे में मैंने आपको बताया, तो ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कॉपी ऑफ बैंक स्टेटमेंट लगता है, कॉपी ऑफ बोर्ड रिजोल्यूशन लगता है, लेटर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑथराइज सिग्नेचरी, ये भी लगेगा आपके लिए, और डिक्लेरेशन टू कम्प्लाई विद द प्रोविजंस, ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंपनी डॉक्यूमेंट्स आपको प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड कंपनी, ओपीसी कंपनी के लिए लगते हैं। अब देखते हैं कि डायरेक्टर्स की डिटेल्स क्या लगती है, ऑफिस डॉक्यूमेंट्स क्या लगती है इस कंपनी को, इस कंपनी के हिसाब से आपको जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है। तो डायरेक्टर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स यानी आपके जो पैन कार्ड है, आधार कार्ड है डायरेक्टर्स के, वो लगेंगे, और अदर आईडी प्रूफ्स एंड फोटोज लगते हैं। और ऑफिस डॉक्यूमेंट्स में ओनरशिप प्रूफ, एनओसी ऑफ द ओनर एंड रेंट एग्रीमेंट, ये डॉक्यूमेंट्स ऑफिस डॉक्यूमेंट्स में आपको सबमिट करने होते हैं जीएसटी पोर्टल पे। डॉक्यूमेंट फॉर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप यानी एलएलपी कंपनीज जो है उनके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो कंपनी डॉक्यूमेंट्स में लगते हैं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ द एलएलपी, पैन कार्ड ऑफ द एलएलपी, एलएलपी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, कॉपी ऑफ बैंक स्टेटमेंट ऑफ द एलएलपी, कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन, लेटर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी, डिक्लेरेशन टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस, ये डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे एलएलपी अगर आपकी कंपनी है। और पार्टनरशिप रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपको पैन कार्ड एंड आधार कार्ड ऑफ डायरेक्टर्स लगेंगे, अदर आईडी प्रूफ्स ऑफ फोटोज लगेंगे, उसके बाद ऑफिस डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ओनरशिप प्रूफ लगेगा, एनओसी लगेगा और रेंट एग्रीमेंट लगेगा। तो दोस्तों, ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे जब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो आपको बस चेक करना कि आप कौन से कैटेगरी में आते हैं और आपको कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें और फिर ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करें, ताकि जल्द ही आपको ये जो जीएसटी नंबर है वो मिले। तो होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ये जो बेल आइकॉन है इसे भी प्रेस करें। तो बने रहे हमारे साथ, वीडियो देखते रहिए। थैंक यू सो मच।